नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स पटना के द्वारा 2021 में 200 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। अब साथियों, एम्स पटना के द्वारा रिफंड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। आपको कैसे अपना फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल भरनी है, सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन उससे पहले दो बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा हटके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल साथियों आपके लिए केवल सही और सटीक जानकारी विद प्रूफ लेके आते हैं। साथियों, आपको याद होगा हमने फरवरी में, अभी इसी साल में, फरवरी 2023 में एक आरटीआई लगाई थी एम्स पटना के पास में, कि भी जो नर्सिंग ऑफिसर की आपने जो वैकेंसी निकाली थी उसमें रिफ़ंड का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने कहा था कि अभी तक हमने रिफ़ंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को रिफ़ंड नहीं दिया है। उसके बाद से एडमिन ऑफिस के द्वारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइल चलाई गई थी, जिसको अब अप्रूवल मिल चुका है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर टोटल मेल और फीमेल कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, पहले ये जानकारी देखिए। तो टोटल जो कैंडिडेट थे जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो 13,665 कैंडिडेट थे। उनमें से मेल थे साथियों 4,704 और फीमेल थी आपकी 8,958। ये फीमेल और मेल कैंडिडेट का डाटा साथियों हमने आपके साथ इसलिए शेयर किया है ताकि आपको पता चल सके कि कितना रुपया एम्स पटना को रिफ़ंड करना है। समथिंग 2 करोड़ रुपया है जो आपको रिफ़ंड होने वाला है हर कैंडिडेट को आपके खुद के अकाउंट में। अब चलिए साथियों, एक और डाटा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी जानते भी होंगे कि मेल के लिए यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस रखी गई थी, जो OBC और जनरल से थे, जो ST SC EWS से थे, या फिर जो फीमेल कैंडिडेट थी उनके लिए 1200 रुपये फ़ीस रखी गई थी। तो चलिए अब डाटा एनालिसिस करते हैं। तो साथियों, जो अभी हमने आपको डाटा दिखाया था कि कितने फीमेल कैंडिडेट थे, तो फीमेल कैंडिडेट थे साथियों 8,958। यदि उनसे 1200 रुपये लिए गए हैं, सभी फीमेल हैं यहाँ पर, जनरल की, OBC की, ST की, SC की, EWS की, तो सभी को यदि अपन 1200 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं साथियों, तो 1,74,09,600 रुपीज़ वो निकल के आते हैं। तो इतना रुपया फीमेल कैंडिडेट को किया जाएगा। अब मेल कैंडिडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक बात साथियों हम यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं कि जो टोटल मेल कैंडिडेट थे, जो हमने आपको बताए थे 4,704 थे, उसमें से हमने अपने अंदाज से ये पता लगाया है कि मान लेते हैं कि जनरल और OBC के 3,000 मेल कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो उनका रुपया होता है साथियों 45 लाख रुपये आपको देने हैं। जबकि अगर EWS, SC, ST मेल के कैंडिडेट की बात करें तो केवल 1704 कैंडिडेट हमने माने कि, क्योंकि साथियों SC, ST, EWS से कम जो मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया था, उनकी 1200 रुपये फ़ीस अगर माने तो साथियों ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा कितना लाख रुपया SC, ST, EWS मेल कैंडिडेट के लिए बनता है, जो कि हम आपको बता देते हैं 20 लाख के समथिंग बनेगा। अब चलिए साथियों, अप्लाई कैसे करना, क्या डिटेल भरनी है देख। तो साथियों, रिफ़ंड लेने के लिए आपको सिंपली फीस रिफ़ंड फॉर द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, डिटेल आपको भरनी होगी। जैसे ही साथियों आप अपनी लॉगिन ID से इसको करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की जो है अपडेट है वो आ जाएगी। उसके बाद साथियों यहाँ पर सिंपली आपको जो एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे ही आप एप्लीकेशन पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो आपको बारकोड दिखाई दे रहा होगा, कुछ बोल रहे हैं कि इसको डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना है बारकोड का, आप उसको छोड़िए। आपको डायरेक्ट क्या करना है, एक्शन नाम दिखाई दे रहा है, उस एक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप एक्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है क्लोज का। उसके बाद साथियों आपके सामने डिटेल्स कैप्चर पर आपका ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही साथियों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसमें साथियों आपको जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से साथियों लोडिंग होगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जो आपकी डिटेल मांगी गई हैं, जो पर्सनल डिटेल है उसको चेक करना है, कम्युनिकेशन डिटेल उसको चेक करना है। सभी को आप नेक्स्ट करेंगे तब जाके आपको पेमेंट की डिटेल दिखाई देगी। चलिए दिखाते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल भरनी होगी, आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, और बैंक का नाम क्या है साथियों, ब्रांच का नाम क्या है, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर आपको सबमिट कर देना है,
और साथियों आपका जो फीस का रिफंड है वो हम आपको बता दें कि सितंबर के एंड तक आपको फ़ीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी, या फिर हो सकता है कि अगस्त के सेकेंड वीक तक आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड मिल जाए। जब भी मिलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आपने साथियों हमारे साथ जुड़े, वीडियो को देखा, अच्छे से समझा, सारी बातें आपको बताई गई हैं, कोई फेक कंटेंट बताया नहीं गया है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सही और सटीक जानकारी पाने के लिए।